वहां का रहने वाला हूं, अभी मैं देहरादून वासी हो गया और वहां पे जो मेरा घर था आपके घरों में फर्स्ट हो गए, मेरे घर में फर्स्ट नहीं था। मेरे घर में चार दुआरी भी नहीं थी, आपके घर में चार दुआरी हो गई। मैं ये प्रूव करना चाहूंगा कि यू आर द बेस्ट। और हम चार दुआरी की जगह वो एक लकड़ी होती है वो रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए। और मैंने बीकॉम की, एमकॉम की, आप अगर मैं सीए करने में लग गया और ऐसे ही किसी प्रोग्राम में चला गया जैसे आज यहां पे आए हुए हैं और ऐसे ही मैं खड़ा था जैसे आज कुछ लोगों को सीट नहीं मिली, कोने में खड़ा था और वहां पर एक लाइन बोल दी किसी आदमी ने, उसने लाइन तो अपने मतलब के लिए बोली थी पर मैंने अपने मतलब के लिए समझ ली और मुझे समझ में तो आई, वो ये समझ में आई। वैसे तो बताया उसको गया था पर मुझे तो समझ में आई, मुझे बोला गया कि बीकॉम करो, एमकॉम करो, सीए करो और एक अनपढ़ आदमी की फैक्ट्री में जाकर 70 साल तक काम करो, आप सफल हो जाओगे। और उस प्रोग्राम के अंदर आया और वहां पर बोल दिया गया कि 4-6-8 महीने 1-2 साल काम करो और जिंदगी भर ऐश करो। सच बताइए मुझे क्या चूज करना चाहिए था, क्या चूज करना चाहिए था? 70 साल वाला ना? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे दिल में बोला कि नहीं यार 70 साल तो जॉब नहीं करनी है, मुश्किल हो जाएगा। मैंने चूज कर लिया, काम करना शुरू किया, हस्बैंड वाइफ दोनों जुनूनी, दिन रात काम, कई बार तो रात को कार को भी देते लगाते हम घर पर से। अचीवमेंट होनी शुरू हो गई, जहाज उड़ने लग गया, घर में अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई। पर जस्ट 2-2.5 साल पहले उसने किसी गलत पॉलिटिक्स के कारण वो मेरा जहाज क्रैश कर दिया और वो जहाज आगे नीचे धरती में फिर गया, वो धरती के नीचे जाने घुस गया। डिप्रेशन, बीपी पूछता, घर में रोना धोना, पूरा इमोशनल माहौल, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अंदर से एक आवाज आ रही, डिप्रेशन में भी एक अंदर से आवाज आ रही थी, मैं चैंपियन, मैं चैंपियन हूं। कोई आदमी एक रास्ता बता दे, एक बार कोई रास्ता बता दे आपके उठा। ये सब हवा है, पर मैंने क्या किया, मैंने वही काम किया, मैंने कहा नो
इंटरेस्टेड, पर मुझे नहीं पता मैं मतलब क्यों नो कर रहा था, पर कुछ बातें समझ आ रही थी मेरी वाइफ को और पता ही नहीं लगा कि कब इसने साइन कर दिया। उसे कहीं मैंने साइन नहीं किया था और जब साइन हो गया और जब वो रिश्ता मेरे घर से चला गया तो तब मैंने पूछा आपने साइन कर दिया, कहते हाँ साइन कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे आप कहीं भी फोन पे साइन कर देते हो। मैं पहले झटका खा चुका हूं और बार बार झटका नहीं खा सकता। मैं आपको बताऊं उस दिन कौन रिश्ता था मेरे घर में आने वाला, बताओ क्या मिस्टर मोहित बजाज। अगर उस दिन ये मोहित बजाज यहां पे ना आता मेरे घर पे तो रिपन शर्मा आज भी मुझे लग रहा है कि शायद डिप्रेशन में होगा। कुछ लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे इस स्टोरी में। और उसके बाद क्या, मैं तो अंदर से तैयार नहीं था, मैं अंदर से तैयार नहीं था। एक बार फिर वो अपने अपलाइन को लेकर आए रमेश जी को, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैंने कहा आपका चेक कितना है, वो कहते 17 लाख रुपए महीना। मैं कहा झूठ, मैं कहीं हो ही नहीं सकता, 8 साल दिन रात हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ियां तोड़ती, पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर गाड़ियां चला दी, 70 लाख को क्रॉस नहीं किया गोरों की कंपनी में, तड़का रहेगा